म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप स्पॉटिफाई भी अब एआई फीचर को इंटीग्रेट कर रहा है। स्पॉटिफाई ने अपने नए एआई फीचर का ऐलान किया है। इससे यूजर्स प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से अपनी प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि स्पॉटिफाई में यूजर्स कस्टम प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कई बार प्लेलिस्ट क्रिएट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, और इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए स्पॉटिफाई ने अपने एआई प्लेलिस्ट फीचर का ऐलान किया है। ये फीचर अभी प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए बीटा वर्जन में है। इस फीचर से यूजर्स को रिटन प्रॉम्प्ट्स के जरिए एक प्लेलिस्ट जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। स्पॉटिफाई पर एआई फीचर शुरुआत में यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के यूजर्स के लिए होगा। इसे आने वाले महीनों में एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइसेस पर उपलब्ध कराया जाएगा। यूजर सिर्फ चैट में एक यूनिक प्रॉम्प्ट को टाइप करके इस फीचर को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये यूजर की पसंद और मूड के हिसाब से एक प्लेलिस्ट तैयार करेगा। इसके अलावा स्पॉटिफाई का एआई यूजर को प्लेलिस्ट प्रॉम्प्ट्स के साथ क्रिएटिव होने का भी मौका देता है। एआई प्लेलिस्ट फीचर का एक्सेस पाने के लिए यूजर्स स्पॉटिफाई मोबाइल ऐप ओपन करें और बॉटम राइट कॉर्नर पर मौजूद योर लाइब्रेरी पर जाएं। लाइब्रेरी के अंदर प्लस का बटन दबाएं। ये बटन ऐप के टॉप राइट कॉर्नर पर मिलेगा। इसके बाद एआई प्लेलिस्ट का ऑप्शन चुनें। इसके बाद यूजर्स सजेस्टेड प्रॉम्प्ट्स में से किसी एक को चुन सकते हैं या फिर खुद का प्रॉम्प्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करने के बाद स्पॉटिफाई का एल्गोरिदम चुने हुए वाइब के हिसाब से एक प्लेलिस्ट तैयार करेगा। यूजर्स इसके बाद प्रीव्यूइंग और ट्रैक्स को हटाकर प्लेलिस्ट रिफाइन कर सकते हैं। क्रिएट पर टैप करके नई तैयार प्लेलिस्ट अपने आप लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक एआई।